गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू ट्रीटी को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। यदि आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है या आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं इन रिगार्डिंग टू पीडीएफ, तो आप मुझे जो है इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू ट्रीटीज। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया है मैच द फ्लोइंग। हमें आपको क्या कर रखा है, आपको मैच द फ्लोइंग आपको दे रखा है, उसको हमें मैच करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है दीवानी, टाइगर ऑफ मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चन्नम्मा एंड सिपहिया के बारे में आपसे पूछा है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस आप आंसर देखेंगे, राइट आंसर आप देखेंगे कि आखिरकार दीवानी क्या होती है। तो दीवानी होगा वो राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यूज, यानी कि जो भी भू राजस्व खरीदने का एक प्रकार से क्या रहेगा, अधिकार मिल जाएगा। तो लैंड रिवेन्यूज जो रहेंगे वो राइट टू कलेक्ट रहेगा, किसको, दीवानी को। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है, तो टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ठीक। सेकंड है फौजदारी अदालत, तो फौजदारी अदालत को एज ए क्रिमिनल कोर्ट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एज ए क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा रानी चिन्नम्मा, रानी चिन्नम्मा आखिरकार कौन थी, तो रानी चिन्नम्मा वो थी जिनने एंटी लेट एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किंतूर, किंतूर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था वो थी रानी चिन्नम्मा इन किंतूर, ठीक है। सिपहिया को जो है वो सिपहिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मैच द फ्लोइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विथ द बैटल ऑफ, यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, फिल इन द ब्लैंक्स की जंग से शुरू हुई, किस जंग से शुरू हुई बंगाल पर अंग्रेजों की जीत। तो इसका आप आंसर देखेंगे कि किससे हुई, प्लासी के युद्ध के बाद जो हुई है बंगाल के पर अंग्रेजों की जीत होना प्रारंभ हो जाएगी। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ, यानी कि हैदर अली एंड टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड आपसे पूछा गया है कि जो डलहौजी था इंप्लीमेंटेड द डॉकलाइन ऑफ लेप्स, ठीक है ना, विलय नीति को डलहौजी ने सिद्धांत लागू किया था, ठीक है ना, लेप्स मतलब विलय नीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मराठा होते थे, मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द, कहां पर आखिरकार आपको मराठा किंगडम्स देखने को मिलते थे, तो आपको कई सारी बुक में साउथ वेस्टर्न भी देखने को मिलता है और कई सारी बुक में आपको साउथ भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे आप साउथ लिख लें या साउथ वेस्टर्न लिख लें, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है साउथ ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप जो है साउथ। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स के बताना है कि आखिरकार कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरीज, क्या 18th सेंचुरीज में मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, यानी कि मजबूत होता गया, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। मुगल एम्पायर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 18th सेंचुरीज में कौन आ जाएंगे, 18th सेंचुरीज में आपको ब्रिटिशर्स या अंग्रेज आपको देखने को मिलेंगे, जो 18th सेंचुरीज में वो स्ट्रॉन्गर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, EIC, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली यूरोपियन कंपनी डेट ट्रेड विथ इंडिया, क्या एक अकेली यूरोपियन कंपनी थी जिसने ट्रेड या व्यापार करा, किसके साथ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, एकमात्र कंपनी नहीं थी यूरोपियन कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया
कंपनी, आप देखोगे कई सारे डचेस आपको देखने को मिलते हैं, फ्रांसिस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये इनसे पहले आ गए थे। किनसे? जैसे पुर्तगाल जो होते थे वो ब्रिटिशर्स से पहले आपको देखने को मिलेंगे, तो यूरोपियन कंपनी पहले नहीं होगी ईआई से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो कहाँ के रूलर थे ऑफ पंजाब, यानी कि उन्होंने बोला महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब, क्या पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह रूलर थे, शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। हाँ, क्योंकि पंजाब के शासक कौन देखने को मिलेंगे आपको, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा है, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कौन से चेंजेस की बात कर रहे हैं वो, एडमिनिस्ट्रेटिव की चेंजेस की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले जो इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ठीक है ना, शासकीय बदलाव नहीं किए, डिड नॉट चेंजेस, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि वो कई सारे जो है बदलाव कर देते थे बिना किसी की इंफॉर्मेशन दिए, बिना किसी से पूछे, तो उन्होंने कई सारे चेंजेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बट इसमें पूछा है क्या उन्होंने बदलाव नहीं किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, ठीक है, यानी कि यूरोपियन जो व्यापारी जो कंपनी थी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुई, ठीक है ना, आखिरकार क्यों अट्रैक्टेड हुई, क्यों आकर्षित हुई यूरोपियन कंपनी, तो इसके आपको कई सारे ना आपको कारण देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, द नंबर ऑफ रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट रीजंस क्या रहेंगे कि ट्रेडिंग विद इंडिया हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है ना, इंडिया के साथ जो ट्रेड करना था उसको आपको क्या देखने को मिलेगा, हाईली प्रॉफिटेबल देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि क्या होता था जनरली कि यूरोपियन कंपनी क्या करती थी, भारत के साथ कई सारे अपार संभावना देखने को मिलेंगी, क्यों, क्योंकि सस्ते दामों में हाईली प्रॉफिटेबल होता था, क्या होता था कि सस्ते दामों में क्या होता था, इंडिया से आपको चीजें देखने को मिल जाती थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप उसको ज्यादा दामों में बेचेंगे, हाईली प्रॉफिटेबल। देखिए किसी भी धंधे को चलाने के लिए यदि आप कोई किसी चीज को सस्ते दामों में खरीदें देन उसको आप 4 गुना दामों में बेचें, तो आपको क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो सेम सिचुएशन इंडिया के साथ भी रहेगी, वो क्या करेंगे कि सस्ते दामों में चीजें खरीदेंगे और महंगा करके उसको बेचेंगे, तो इंडिया में सबसे ज्यादा इसलिए आपको क्या देखने को मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए कि हाईली प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा बिजनेस करने के लिए यूरोपियन कंपनी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी परचेस्ड गुड्स एट चीप्स, जो मैंने आपसे अभी कहा चीपर, बहुत कम कॉस्ट में जो है क्या करेंगी ईआईसी जो कंपनीज रहेंगी वो कम दामों में कच्चे माल को खरीद लेंगे और उसको हाईली प्राइस में क्या करेंगे, बेच देंगे, कौन, यूरोपियन कंपनीज, तो उनको क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक। अब वहीं यदि हम बात करें एक और क्या रीजन होता है, एक रीजन ये भी होता है कि जो कम दामों में जो चीज खरीदते हैं हो सकता है उसकी क्वालिटी घटिया हो, बेकार हो, बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं होता था, उस जमाने में क्या होता था, उन्हें बहुत ही फाइन क्वालिटी में उन्हें कॉटन मिल जाया करता था, सिल्क मिल जाता था, जिसको बहुत कम दाम में लोग बाग जो यूरोपियन जो कंपनीज होती थी वो उनको खरीद लिया लेती थी और हाईली दामों में उन्हें बेच दिया करती थी, तो उन्हें कम दामों में भी क्या हो रहा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्हें कॉटन खरीद लेते थे या सिल्क जिसे हम बोलते थे वो खरीद लेते थे, तो इस वजह से आप देखेंगे सिल्क यानी डेट मीन्स मखमल, कॉटन यानी कि रुई, ठीक है, तो ये आपको कम दामों में देखने को मिलती थी इंडिया में। और क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी, जैसे कि कपास हो गया, काली मिर्ची हो गई, लौंग हो गया, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, ये भी आपको इनकी इंडिया की तरफ से मतलब यूरोपियन कंपनियों की बहुत भारी ग्रेट डिमांड्स थी इन चीजों के प्रति यूरोपियंस में, ठीक है ना, काली मिर्ची सहित स्पाइसेस जो थी इस वजह से भी ज्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, व्हाट वर द एरिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज, यानी कि बंगाल के जो नवाब होते थे, ठीक है ना, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे, ठीक है ना, या उनके विवाद किन किन बातों को लेके होना प्रारंभ हो गए थे, तो आप देखोगे कि उसमें कई सारे डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे, देखिए आरोप प्रत्यारोप होंगे,
ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहेगी, ईस्ट ई आई सी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, वो बंगाल के नवाब पर लगाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी वो क्या करेगी, आरोप जो है वो बंगाल के नवाबों के लिए के ऊपर भी लगाएगी। एंड जो बंगाल के जो नवाब हैं वो किस पे आरोप लगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो दोनों ही कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, वाद विवाद या आरोप प्रत्यारोप लगाना प्रारंभ कर देंगे। अब ये रहेगा क्या, इसका आंसर अपन देखते हैं। तो 18 सेंचुरीज में क्या होगा, 18 सेंचुरी जब कौन हो जाएगा, औरंगजेब मर जाएगा। ठीक है ना, डेथ ऑफ औरंगजेब। बंगाल नवाब क्या करेंगे, बंगाल नवाब अपने आप को एक ताकतवर समझ लेंगे चीज कि यार अब जो भी है वो हम ही है। क्यों, क्योंकि औरंगजेब तो क्या हो गया, औरंगजेब मर गया। और आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर में औरंगजेब के मरने के बाद जो हो जाएगा, मुगल एम्पायर डाउनफॉल होता चला जाएगा, धीरे धीरे ग्रसित की ओर होना चल जाएगा, या जिसे हम बोलें जहां पर वैल्यू कम होती चली जाएगी, और वहीं किसकी बढ़ती चली जाएगी, पावरफुल कौन हो जाएंगे, नवाब सोन। ठीक है ना, चाहे अपन बंगाल के नवाब की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो ऐसे क्या होगा, अभी फिलहाल अपन बंगाल को देख लेते हैं। तो बंगाल में क्या होगा कि बंगाल के जो नवाब रहेंगे उनकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है ना, पावर एंड एटोनोमीज जो रहेंगी वो बढ़ जाएंगी, कब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो अब इनमें क्या होने लग जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा, किसमें, ईआईसी एंड बंगाल के नवाबों के बीच में। तो पहले अपन देख लेते हैं आखिरकार नवाब क्या बोलते हैं। तो नवाब क्या बोलेंगे, कंपनी को छूट दे, जो कर छूट है उसको देने से वो मना कर देंगे। ठीक है ना, नवाब क्या करेंगे, कंपनी को छूट देने से मना कर देंगे। नवाब ने कंपनी को जो व्यापारिक अधिकार दिए थे, ठीक है ना, व्यापारिक आधार अधिकार देने के लिए उनकी बहुत अधिक डिमांड होगी धनराशि की, जैसे हम बात करें तो धन की बहुत अधिक मांग होगी, ये बोलेंगे नवाबों। नवाबों एक और बोलेंगे कि नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने के यानी कि सिक्के यानी कि मुद्रा छापने के लिए भी अधिकार देने से मना कर देंगे नवाब लोग। ठीक है ना, तो सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर देंगे। बंगाल के नवाब की बात कर रहे हैं अपन, नवाब को देख रहे हैं, तो बंगाल के नवाब अभी आरोप प्रत्यारोप किस पे लगा रहे हैं, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। टैक्स अदा नहीं करने का भी आरोप प्रत्यारोप लगाएगी बंगाल के जो नवाब रहेंगे, वो क्या बोलेंगे, कंपनी जो है वो टैक्स अदा नहीं कर रही, और साथ ही साथ हमें जो है आपत्तिजनक जो है वो पत्र लिख रही है, रिवेन्यूज बात कर रहे हैं अपन जिसे हम बोले, टैक्स पे नहीं कर रही, और आपत्तिजनक जो है वो क्या करेंगे, लेटर्स लिख रहे हैं ये हमें। तो ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप कौन लगाएंगे, बंगाल के नवाब लगाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पे। चलिए अब हम देख लें कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहेगी बंगाल के नवाब पर, इसको देख लेते, चर्चा कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड द कंपनी डिक्लेयर्ड द दैट इट्स ट्रेड वाज, तो इसको हम देखें तो कंपनी क्या कहेगी, वो बोलेगी कि यार बंगाल के जो नवाब हैं वो हमें स्थानीय अधिकार या कंपनी में व्यापार करने के लिए नष्ट कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा टैक्स की मांग कर रहे हैं, और किलेबंदी का विस्तार नहीं करने दे रहे हैं। ईआईसी देखेंगे आप तो क्या करेगी, किलेबंदी का निर्माण कर देगी, तो वो बोलेगी किलेबंदी का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं कौन, बंगाल के नवाब हम मना कर रहे हैं, इसलिए हमें फिर से एक अनुमति दिए जाए ताकि हम क्या करें, किले का निर्माण कर सकें। तो ऐसे जो है कई सारे आरोप प्रत्यारोप कौन लगाएंगे, ईआईसी भी लगाएगी इस पे बंगाल के नवाबों पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों में क्या हो जाएंगी, लड़ाइयां या कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट, विवादपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, हाउ डिड द इजेप्शन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि इसको कई सारे आपको फायदे देखने को मिलेंगे, जैसे ही कंपनी को बंगाल के नवाब को क्या मिल जाएगी, दीवानी मिल जाएगी। दीवानी का मतलब होगा भू राजस्व कर टैक्स इकट्ठा करने की अनुमति, उसे बोलेंगे हम दीवानी। तो जैसे ही ये दीवानी जो हो जाएगी किसको मिल जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कई सारे आपको बेनिफिट इस पे देखने को मिलेंगे, यानी कि ये कहा जाए एक प्रकार से कि कंपनी को राजस्व जो संसाधन है, जो भी विशाल जो राजस्व संसाधन है, उस पर एक प्रकार से नियंत्रण कंट्रोल मिल जाएगा उन लोगों को। ठीक है, तो उन्हें क्या मिल गया, एक प्रकार से जो विशाल जो दिख रहे हैं वेस्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस पर आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रकार से कंट्रोल देखने को मिल जाएगा कंपनी के लिए।
अब कंपनी क्या करती थी कि एक प्रकार से जो भी भारत से जो भी वस्तुएं खरीदनी होती थी तो ब्रिटेन से वो सोना चांदी बुलवाते थे और उस सोना चांदी के बदले वो वस्तुएं खरीदते थे या व्यापार करते थे। बट अब क्या होगा कि जैसे ही इन्हें कंपनी मिल जाएगी तो कंपनी मिलने के बाद क्या करेंगे कि ब्रिटेन से अब उन्हें सोने चांदी की आवश्यकता या लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो क्या करेंगे कि जो भी बेनिफिट हो रहा है इस कंपनी से, जो भी इस टैक्स रिवेन्यू से इन्हें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसी से ही वो सामान खरीद लेंगे। जैसे चाहे सिल्क टेक्सटाइल कंपनी डाल दें या परचेस कॉटन की बात कर लें तो कॉटन परचेस कर लेंगे। तो अब ये जो भी बेनिफिट, जो भी इससे पैसे राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं उससे ही ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इससे ही पैसा कमाने लगेंगे और इसी पैसे को ही इससे ही खरीदेंगे। अब सोना चांदी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जैसे कि मेनली अपन बात कर लें, जो भी बिल्ड द कंपनी फोर्ट, जो भी कंपनी को जैसे किलेबंदी करनी थी तो किलेबंदी करने के लिए भी कंपनी क्या करेगी, इस पैसे का यूज करेगी। ठीक है ना, जो कि कहाँ बन रहा था, आपके ऑफिस एट द कोलकाता, जो भी कोलकाता में कंपनी बना रही थी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पावर टू मोनोपोलाइज्ड ट्रेडिंग भी काम में करेगी। ठीक है ना, यानी व्यापार भी खरीदने की एक मोनोपोली करना स्टार्ट कर देगी कि भाई आपको व्यापार करना है तो हम जो है इतने ही दाम देंगे और ये फिक्स रहेगा उस कॉटन के लिए, दालचीनी के लिए, इलायची के लिए, मसालों के लिए। तो वो एक मोनोपोलिस जो कंडीशन से उसको भी साथ लेके स्टार्ट कर देगी कंपनी। तो एक प्रकार से क्या करेगी, फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है ना, तो एक प्रकार से धीरे धीरे रेवेन्यू ऑफ बंगाल से वो क्या करेगी, ये जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा और कंपनी को बहुत सारा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा इसमें, दीवानी मिलने पर। ठीक, तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, कि आखिरकार ये सब्सिडियरी अलायंस क्या थी, ये जिसे हम बोले सहायक संधि, क्या बोल रहे हम इसे, सहायक संधि, कि आखिरकार ये सहायक संधि क्या थी, सब्सिडियरी अलायंस जिसे हम बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि जब बेटल प्लासी इन द यदि हम बात करें बेटल ऑफ प्लासी 1757 या बेटल ऑफ बक्सर की बात करें 1764, तो इसके बाद क्या हो जाएगी, जैसे ही दीवानी मिल जाएगी बंगाल को या कंपनी को दीवानी मिल जाएगी तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, खुद पावरफुल हो जाएंगे, वो अपने रूल्स बनाने खुद स्टार्ट कर देंगे इंडिया में। तो जैसे ही हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये सब्सिडरी अलायंस किसने चालू करी है, तो ये सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्टार्ट की जाएगी सब्सिडरी अलायंस। अब इसमें आखिरकार शर्त क्या रहेगी, तो इसमें आप देखेंगे कि आखिरकार इसमें शर्तें क्या रहेंगी, तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है उस कंपनी को उसकी सुरक्षा या उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग जो रहेगा वो करने का एक प्रकार से वादा करेंगे ब्रिटिशर्स, यानी कि कोई शासक है। ठीक है, कोई शासक है ये, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसकी पूरी सुरक्षा करने के लिए क्या करेंगी, ब्रिटिशर्स सेना लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये कौन कहेंगे, ये इस सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत कहेंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसमें कई सारी शर्तें रहेंगी जो कि हम धीरे धीरे अभी देखेंगे आखिरकार क्या क्या शर्तें रहेंगी। बट कहने का मतलब ये हो जाएगी कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब जो शासक रहेंगे उनको सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे, उनकी सेनापति करेंगे, उनकी सेनाएं करेंगी, तो ये सब कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे, और इसकी जो शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। ये कहलाता था आपका सब्सिडरी अलायंस। अब आखिरकार इसकी शर्तें क्या थी जो बंगाल के नवाबों को या कई सारे शासकों को माननी पड़ती थी, वो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली शर्तें क्या हो जाएंगी कि एक तो आप क्या कर सकते हो, इंडियन रूलर्स जो रहेंगे वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र सेना रखने का की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, तो एक प्रकार से वो मना कर देंगे कि आप जो है वो सेना तो नहीं रखेंगे, आप लोग क्या करेंगे, सेना नहीं रखेंगे, तो इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स रखने की इजाजत नहीं देंगे इंडियन रूलर्स को, पहली कंडीशंस। सेकंड क्या हो जाएगा कि जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वो इसके लिए शुल्क प्रदान करेंगे। ठीक है ना,
they were to protected the company but paid off for the subsidiary forces. Dead company was supported to maintain for the proper purpose of their protections. ठीक है, तो सेकंड जो हो जाएगा वो सेकंड क्या बोल देंगे, सेकंड वो बोल देंगे कि भैया हम आपकी सुरक्षा करने के लिए जो हमारी सेना लगाई है उनके मेंटेनेंस के लिए उनके रख रखाव के लिए हमें आप क्या करोगे, पैसे दोगे, ठीक है ना, पे करोगे. तो ये तो वही हुआ कि आप खुद की रक्षा खुद नहीं कर पा रहे, आपकी रक्षा कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे. तो आपको ब्रिटिशर्स पे विश्वास है क्या? तो ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि इस सब्सिडरी अलायंस से आप क्या करोगे, हम आप सुरक्षा आप सैनिक नहीं रखोगे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस आर्मी फोर्स आप नहीं रख सकते हो, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं. अब हम सुरक्षा दे रहे हैं तो क्या होगा, इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा पैसे. वो ये कह रहे हैं. ठीक, जो लास्ट है वो जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वो बोलेंगे कि इंडियन जो रूलर्स होंगे यदि ये पेमेंट करने में जो अपन जो सब्सिडरी में भी जो पेमेंट करना था ना सैनिकों को, यदि वो पेमेंट करने में फेल होते हैं, ठीक है ना, फेल टू मेक पेमेंट, यदि पेमेंट देने में फेल होते हैं तो जितने पेमेंट है उसके राजस्व में, ठीक है ना, उसको प्लस टैक्स लगा के कंपनी को पेनाल्टी तो देनी है, लेकिन इस पेनाल्टी के रूप में वो क्या ले लेंगे, वो पेनाल्टी के रूप में जमीन ले लेंगे, ठीक है ना. यानी कि जितना आप देने में राजस्व देने में क्या हो रहे हो, शुल्क नहीं दे पा रहे हो, तो इसलिए कंपनी क्या करेगी, दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जहां से राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, राजस्व वाला क्षेत्र जो है वो शासकों से छुड़ा लेगी, ठीक है ना, टेक अवे फ्रॉम द कंपनी एज ए पेनाल्टी, ठीक है ना. तो इस ट्रीटी के तहत वो क्या करेंगे कि वो रूलर से जमीन भी ले लेंगे और वो ऑब्वियसली बात है पैसे इतने रखेंगे कि राजा क्या कर पाएगा, दे ही नहीं पाएगा, या फिर बाय द वे चांस एक साल दे पाए या दो साल दे पाए, उसके बाद जो है वो राजस्व नहीं दे पाएगा. तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, उनकी जमीन को या टैक्स वाली जो जमीन है उसको हड़प लेंगे. वो इसका एग्जांपल आप देखेंगे कि 1801 में कौन थे, नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था, जिनसे जबरदस्ती उन्हें सब्सिडरी अलायंस थोपी गई थी, ठीक है ना. तो ये संधि उनके ऊपर, नवाब ऑफ अवध के ऊपर आपको देखने को मिलेगी. और एक और चीज थी इसमें कि शासक को, जो इंडियन शासक है उसको अपने दरबार में एक रेजिमेंट, अंग्रेज जो रेजिमेंट था उसे भी रखना होता था. जो शासक की जो गतिविधियां हैं, आखिरकार शासक कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा, किन से मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ जो विद्रोह की कार्रवाई कर रहा, तो एक ये भी था कि उस शासक के जो दरबार में आपको क्या रखना पड़ेगा, एक अंग्रेज रेजिमेंट भी रखना पड़ेगा. तो ये कई सारी इसकी ट्रिटी के अंतर्गत शर्तें आपको देखने को मिलेंगी. इसीलिए इस ट्रिटी को जो था सब्सिडरी या सहायक संधि कहा जाता. चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स, यानी कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह या भिन्न था, जिसे हम बोलेंगे, ठीक है. तो देखोगे कि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, वो किस फॉर्म में डिवाइड थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसे हम प्रेजिडेंसी कहते थे, क्या बोलते थे, प्रेजिडेंसी, जिसे हम बोलते थे, उस भाग में डिवाइड थे. और ये तीन प्रेसिडेंसी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बंगाल, ठीक है, मतलब बॉम्बे, ठीक है, ये तीन प्रेसिडेंसी आपको देखने को मिलती है जो कि कंपनी के शासन में और भारतीय शासन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. तो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंसी बना देंगे. वही यदि इंडियन रूलर जो रहेगा वही यदि एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा, तो डिवाइड फोर पार्ट्स, वो प्रशासनिक कार्य को लेके कितने भागों में डिवाइड करेगा, वो चार भागों में डिवाइड करेगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जिला, फिर पटना, तहसील एंड विलेजेस, ठीक है. तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, देन फिर उसके बाद पलटना, देन तहसील एंड विलेजेस, आपको सबसे छोटी इकाई जहाँ पर कम जनसंख्या आपको देखने को मिलती है. तो इस प्रकार से इंडियन रूलर के कितने भाग हो जाएंगे, डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव, चार हाउस में आपको डिवाइड देखने को मिलेंगे. क्या होता है कि ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज रूल्ड बाय गवर्नर. देखिए ये जो प्रेसिडेंसी होती थी
इनको चलाने के लिए क्या तीन चार यूज करते थे, वो अगर कंपनी की बात करें, किसकी बात करें, कंपनी की बात करें, तो वो ऐसे किसको यूज करते थे, गवर्नर को यूज करते थे, ठीक है। और गवर्नर जो एक प्रकार से गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर जनरल जो होता है तो एक प्रकार से सुप्रीमियर होता था, सुप्रीम होम होता था, उसके अलावा और कोई भी नहीं चलती थी, ठीक है। तो जब भी उसमें आप यूज कर सकते हैं। और जब यदि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करोगे तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे सुप्रीम हेड कौन होगा, या तो किंग या फिर नवाब, ठीक है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की यदि आप बात करें तो पहले सबसे ऊपर सुप्रीम कौन रहेगा, या तो रहेगा किंग या फिर रहेंगे नवाब। तो इसके बाद देखोगे की आखिरकार दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में या दोनों प्रशासनिक इकाई में काफी अंतर देखने को मिलेगा, चाहे हम कंपनी की बात करें चाहे हम राजभाव की बात करें, ठीक है। यदि हम बात करें न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था में आप देखेंगे कि वाराणसी में एक न्यू सिस्टम ऑफ न्याय, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस जो थे, यानी कि एक नई न्याय व्यवस्था को लागू किया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट पर लागू था। डिस्ट्रिक्ट में आपको दो कोर्ट देखने को मिलती थी, डेट में सिविल कोर्ट एक आपको अलग देखने को मिलती थी एंड क्रिमिनल कोर्ट आपको अलग देखने को मिलती थी। तो न्याय व्यवस्था जो थी कंपनी में वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी, सिविल कोर्ट में सिविल जो थे डिसीजन सुनाए जाते थे और जो भी होते थे, जो भी सुनवाई होती थी वो क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई की जाती थी, ठीक है। और उसका मेन कौन होता था डिस्ट्रिक्ट में, देखा जाए तो कलेक्टर, जो कि सिविल कोर्ट का मेन मुख्य न्यायाधीश जिसे हम बोलते हैं वो होता था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता था वो प्रेसिडेंट था, सिविल कोर्ट होता था। वही यदि हम क्रिमिनल कोर्ट की बात करते तो क्रिमिनल कोर्ट कौन के अंडर था, जिस जो हेड था वो था काजी या मुफ्ती जिसे हम बोलते थे, वो इनके प्रेसिडेंट या हेड हुआ करते थे। वही यदि हम इंडियन रूलर की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ऐसे कोई इंडियन रूलर जो थे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जो की अब से एक कोर्ट बनाई जा सके। तो न्याय के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए जो था कंपनी ने अलग अलग कोर्ट का निर्माण किया था, अलग अलग व्यवस्था की थी। बट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो ऐसी कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई थी, या नवाबों के द्वारा ही इसका डिसीजन सुनाया जाता था। वही आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो होगा वो 1773 में एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की जाएगी, इसके द्वारा क्या कहा जाएगी, न्यू सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टेडिस। वही यदि हम एक और बात करें, जैसे कि हम करें पुलिस या राज्य व्यवस्था की बात करें कंपनी को लेके, तो कंपनी जो थी उनने पुलिस और राज्य व्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। वही देखें यदि इंडियन रूलर की बात करेंगे तो इंडियन रूलर में या इंडियन प्रशासनिक राज्य व्यवस्था में ऐसा कोई भी बात नहीं रहेगा। तो पुलिस व्यवस्था आप देखेंगे तो मेनली आपको कंपनी के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी। तो ये तो होता है हमारा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है डिस्क्राइब द चेंजेस दे ओवर इन द कंपोजिशंस ऑफ द कंपनीज आर्मीज, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की सेना की संरचना में हम परिवर्तनों या बदलाव का वर्णन करेंगे, चेंजेस, ठीक है, जो भी कंपनी की कंपोजिशन, जो भी संरचना है, जो भी परिवर्तन हुए हैं उसका हमें वर्णन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखेंगे कि 18 सेंचुरी में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगा वो रिक्रूटमेंट करने लग जाएगी, इसके ओपन आर्मीज के अपने खुद के सैनिकों की रिक्रूटमेंट प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर देंगे प्रोफेशनली सोल्जर्स, जैसे प्रोफेशनली सोल्जर्स होते हैं इनकी भी, यानी कि मैं बोलूं कि लोकल जो व्यक्ति थे वो एक प्रकार से ब्रिटिशर्स नेशनल आर्मी का जो थे विद्या लेंप ऑफ रिक्रूटमेंट उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उसके थ्रू एक प्रकार से प्रोफेशनल सोल्जर्स उन लोगों को बनाया जा रहा था, जैसे कि मुगल अकेडमी हुआ करती थी, ठीक है।
इन्हें प्रशिक्षण दे देंगे और नई नई टेक्नोलॉजी भी इनको नई टेक्नोलॉजी भी इन लोगों को सिखाएंगे ताकि जो भी बदलाव हो सके इनको वो सीख सके। जो भी 19वीं सेंचुरी में जो भी हथियारों में बदलाव होंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर नए मास्क जो होंगे वो हथियार चले मिल जाएंगे, या जिसे अपन मिचलॉक जिसे बोलते हैं वो हथियारों का यूज होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इनका भी इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, हथियारों का प्रशिक्षण इन लोगों को दिया जाएगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो कंपनी के जो सैनिक है या कंपनी की सेनाओं में बढ़ोतरी करने लगेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो सेना जो स्थान होता है, विशेष स्थान होता है जहाँ तो खाने या टैंक इस प्रकार के हथियार गोला बारूद तो विशेष क्या करेंगे इनकी रखवाली के लिए भी सैनिक के लिए भी गश्त के लिए क्या करेंगे सैनिकों को स्टेब्लिश किया जाएगा। क्या हो जाए कोई भी सैनिक इन गोलों हथियार को ना चलवा सके, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पर आगे रिक्रूटमेंट करने लगेंगे। और इनमें एक मेन खासियत ये रहेगी कि जितने भी सैनिक रहेंगे इनमें एक धर्म के प्रति या जैसे बोल दो धर्म जाति इनमें कोई भी भावनाओं में इस प्रकार की भावनाएं नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार की वो भावना रखने के लिए आप जो है तो इस प्रकार से इन सैनिकों के अंदर क्या किया जाएगा भावना जागृत की जाएगी ताकि ये विद्रोह ना कर सके। तो कई सारी जो कंपनीज रहेंगी इस प्रकार से इनमें संरचना करने लग जाएंगे। तो हमारे जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।